हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होनी है उसके लिए वन लाइन फैक्ट जो क्वेश्चन है आयोग के, सभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह के जो वन लाइन फैक्ट मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल जो एग्ज़ाम पी एस सी यूट्यूब चैनल, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी महत्वपूर्ण वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है अपना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका गठन हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया, कौन सा निकाय है, प्रथम इसके अध्यक्ष कौन रहे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस तरह के और भी अगर क्वेश्चन आयोग के आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन सा निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है वो कौन सा निकाय है? तो वो संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन सा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। दूसरा क्वेश्चन है, गठन कौन से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका जो अनुच्छेद था वो 338 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आयोग के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे सौंपते हैं अपनी रिपोर्ट? तो वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें क्योंकि इसी तरह के वन लाइन फैक्ट मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, तो वीडियो का अंत तक देखें। प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो सूरजभान थे। 2004 से 2006 इनका कार्यकाल था और ये प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में अगर अपन अध्यक्ष की बात करें अभी तो अभी देखिए विजय सांपल हो गए हैं वर्तमान अध्यक्ष, लेकिन इनसे पहले जो थे पूछ सकते हैं तो रामशंकर कठेरिया थे और अभी जो वर्तमान में है फिलहाल वो विजय सांपल हैं, सांपला हैं। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इस तरह से कभी पूछ ले क्वेश्चन तो कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं रहेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई देखिए इनकी जो 15 फरवरी 2004, कब हुई? 15 फरवरी 2004। आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो अनुसूचित जाति आयोग हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है इसका मुख्यालय। इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। महत्वपूर्ण वाला इनफैक्ट आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो एग्ज़ाम PSC टेलीग्राम चैनल से आप जाके देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग स्थापना। मध्य प्रदेश, देखिए वो जो बात हुई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तो 15 फरवरी 2004, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना ये हो गई थी 29 जून 1995, कब? 29 जून 1995। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति जो आयोग हैं उसके मध्य प्रदेश में अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश में उसके जो अध्यक्ष हैं वो भूपेंद्र सिंह आर्य हैं। कौन है? मध्य प्रदेश में वर्तमान अध्यक्ष तो भूपेंद्र सिंह आर्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई?
तो 65वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई। वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो सब मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक जुड़े और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।